दिस इज मंशू राठौड़ एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो अभी हम जा रहे हैं बेबी कहाँ पे? अभी हम जयपुर से निकले हैं और ये दिल्ली हाईवे है और आज हम ऋषिकेश जाने वाले हैं क्योंकि हमारी छुट्टी है। काफी टाइम से हम प्लानिंग कर रहे थे और जीजू को भी विजिट करना था तो हमने बोला कि चलो आज हम लोगों को आपको एक लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलते हैं। सो वी आर रियली रियली एक्साइटेड गाइज। अभी हो रहे 6:30 वैसे हमारा ऋषिकेश जाने का कोई प्लान नहीं था पहले से और ये सडन प्लान सडन ट्रिप बना है नाइट में। एंड अभी जैसे ही सडन ट्रिप बना हमने अपने बैग पैक्स किए और अब हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश। हम दिल्ली से अभी थोड़ी देर बाद में हम दिल्ली पहुंचेंगे, उसके बाद में हम ऋषिकेश के लिए निकलेंगे। पहुंच चुके हैं बेबी कहाँ पे? ऋषिकेश में। और अभी हम जा रहे हैं लंच, अभी हम डिनर करने के लिए जा रहे हैं। और अभी हम यहाँ पे कहाँ पे स्टे किया है वो हम आपको बाद में बताएंगे, उसकी सारी डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेबी तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद में? बहुत ज्यादा ठंड है, ठंड लग रही है लिटरली बेबी को। इतनी मुंह पड़ जाएगा, कुछ लगा लो, नाइट क्रीम है, नाइट क्रीम है। इसे इतनी ज्यादा ठंड लग रही है ना कि देखो कैसे रेडी हो गई है पूरी। तो अभी हम करने जा रहे हैं, अभी हम डिनर करने के लिए जा रहे हैं। दो तीन बार ट्राई करो। गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के बज रहे हैं 7 बजे और सनराइज हो चुका है बहुत ज़बरदस्त वाला। इतनी देर पहले वेदर बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी था, रेनी टाइप का था, लेकिन अभी डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है मेरे फेस पे। और रात को हम लोग 12 घंटे की ड्राइविंग के बाद में पहुंचे थे और बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, उसकी वजह से हम व्लॉगिंग नहीं कर पा रहे थे। बट अभी हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। और बेबी कैसा फील हो रहा है आपको? ठंडा 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 फील हो रहा है, मतलब वेदर इतना अच्छा है ना, आई कांट टेल यू लिटरली। मतलब थोड़ी देर पहले इतनी बारिश हो रही थी और अभी हल्का हल्का सनराइज हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है लिटरली। अगर आपने ऋषिकेश विजिट नहीं किया है ना तो आपको डेफिनेटली करके देखना चाहिए, ऐसा लगता है कि हम एक दूसरी ही जन्नत में आ चुके हैं। और अभी हम लोग कभी गरम कभी गरम गरम तो अभी इसके बाद में अभी हम रेडी होने वाले हैं, हमारा ब्रेकफास्ट डन करेंगे, देन हम रिवर राफ्टिंग के लिए जाएंगे, ट्रैकिंग के लिए जाएंगे। और इवनिंग में हम कहाँ पे गंगा आरती देखने वाले हैं बीबी? बीबी डांस करने में बिजी है। परमार्थ निकेतन, परमार्थ निकेतन जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आरती होती है यहाँ पर ऋषिकेश में। अगर आप ऋषिकेश विजिट कर रहे हो तो लिटरली आपको परमार्थ निकेतन की आरती डेफिनेटली देखनी चाहिए। इवन मैं इस व्लॉग में ऐड भी करूँगी, जो मेरे यूट्यूबर्स हैं अगर उन्होंने देखा नहीं है तो मैं उनके लिए वो आरती हमारे चैनल पे लेके आएंगे। सो अभी हम जा रहे हैं रेडी होने के लिए, बाय बाय। आप लोग यहाँ पर जो झूला देख रहे हैं ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी के ऊपर बना हुआ विश्व में प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला है। जैसे ही हम लोग यहाँ से लक्ष्मण झूले के पास में गए, आप लोग यहाँ पे ये नज़ारा देख सकते हो। आपको लेफ्ट वाली साइड में जो एक झूला दिख रहा है इसका नाम है लक्ष्मण झूला। और आप जैसे ही इस झूले पर जाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये झूला थोड़ा सा हिलता है। वैसे अगर मैं आपको एक बात बता दूं तो ऋषिकेश के राम झूला पुल जो है उसकी स्थिति को PWD ने खतरनाक बताया है और कई बार इसके लिए रिपोर्ट्स भी भेजी गई हैं।
लक्ष्मण झूला देखने के बाद में हम लोग वहाँ पे कुछ देर रुके, वहाँ पे बैठे, हमने चाय वाय पी, क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम है तो वहाँ पे अगर गंगा के किनारे आप लोग बैठकर वहाँ पे चाय नहीं पीते हैं तो आपने कुछ भी नहीं देखा। उसके बाद में हमने सोचा कि कुछ एक्टिविटीज़ ट्राई करी जाएँ। तो रिवर राफ्टिंग तो जब मानसून होता है तो बंद होती हैं, इसलिए वहाँ पर और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो हमें किसी ने सजेस्ट किया कि यहाँ पर गंगा जिप लाइन करके एक एडवेंचर का कोई एकेडमी है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं गंगा जिप एडवेंचर, इसका नाम है गंगा जिप एडवेंचर, जिप लाइन एक्टिविटीज़ होती हैं और यहाँ पे हमने ये करने का सोचा। इसकी जो टोटल कॉस्ट आती है वो 1500 रुपये ईच पर्सन ये लोग लेते हैं। आपकी सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी इन लोगों की होती है कि आप पहले ये लोग आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि ये आपको किस तरीके से करनी है, आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे यहाँ पे अभी तक तो कोई ऐसा कुछ एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन इस चीज़ को पहले आपको समझना होता है कि आपको किस तरीके से करना है, आपको ब्रेक कैसे लगाने हैं, आपको किस तरीके से जाना है। तो ऑलमोस्ट टोटल मिलाकर ये हमारा बहुत ही अल्टीमेट वाला एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप लोग जाते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, आप जिप लाइन वाला स्पॉट ज़रूर वहाँ पे, ये एक बहुत ही ज़्यादा फन और एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं तो आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और इसके बाद में आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ा कोहरा भी था और यहाँ पे खूब बारिश हुई है। वैसे पर्सनली मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको मसूरी, ऋषिकेश ये जगह देखनी है, यहाँ पर जाना है, तो आपको मॉनसून का टाइम तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग नहीं हो रही थी तो हम लोगों ने सोचा हम पूरे दिन वहाँ पे बैठ के क्या करेंगे, क्योंकि वो जो आरती होने वाली थी परमार्थ निकेतन में जो आरती हो रही थी उसका टाइमिंग था शाम को 6 बजे का। इसलिए हम वहाँ से मसूरी के लिए निकल गए और वहाँ पे बीच में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो सबसे पहले जो हमें रिजॉर्ट दिखा, वैसे इसका नाम सॉलिटेयर है, तो हमने यही वाला रिजॉर्ट, इसमें हमने गाड़ी ले ली क्योंकि रास्ते के अंदर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, आई कॉन्ट टेल यू। क्योंकि आप लोग अगर देखें, क्योंकि बारिश, वो जो रास्ता होता है वो पहाड़ों का रास्ता है और इतनी ज़्यादा सामने से गाड़ियाँ आ रही होती हैं, तो उसमें बारिश में आप लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग कहीं पे जाने का, घूमने का देखते भी हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर अपने लिए सीज़न देखना चाहिए कि आप गर्मियों में वहाँ पे जाएं, सर्दियों में जाएं, लेकिन मॉनसून के टाइम में आप लोग वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाएं। हम जिस होटल में यहाँ पे स्टे करने वाले हैं वो ये होटल आप देख सकते हैं, इसका नाम है सॉलिटेयर और मसूरी में, ये मसूरी की होटल थी। अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं मसूरी में, अभी होटल में हमने चेक इन किया है। अगर मॉनसून में अगर आप मसूरी विजिट करना चाहते हैं तो मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी और इतनी बारिश में मैं खुद ड्राइव करते मुझे डर लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि पानी हमारे, मतलब बाढ़ आने वाली है और पानी से मतलब गाड़ी नीचे खाई की तरफ गिर जाएगी, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का डर लग रहा था। फिर भी मैंने ड्राइव किया, थैंक गॉड हम सेफली होटल में चेक इन कर चुके हैं। वो कहते हैं ना कि ये शक्ल देख के प्यार नहीं होगा तो क्या होगा, वही है, अगर आपको मसूरी से प्यार नहीं होगा तो क्या होगा। यहाँ पे इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, वैसे मसूरी को पहाड़ों की रानी बोला जाता है। तो अगर आप लोग ऋषिकेश घूमने आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली मसूरी विज़िट करना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ से 72 किलोमीटर्स हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और हम यहाँ से, अभी ये सुबह हो चुकी हैं और लास्ट नाइट हमने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, द वेज रेस्टोरेंट करके, वहाँ पे हमने डिनर किया था और इतना घटिया डिनर, वैसे हम वेज रेस्टोरेंट ही ढूंढ रहे थे तो वहाँ पे हमारी बहुत ही ज़्यादा अनबन सी हुई थी। हे गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है तो हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये विंडो के बाहर का है, इतना अल्टीमेट व्यू था वहाँ पे। और वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने से पहले हम लोग चाय पीने के लिए बाहर निकले, क्योंकि हम घूमना चाहते थे कि यहाँ पे क्या क्या है। ये जो आप मसूरी की मॉल रोड देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, अगर आपको शॉपिंग करनी है तो यहाँ पे बहुत सारी जगह थी, आप लोग